हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऐतिहासिक कालखंड को। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम आदितिहासिक एंड प्रागैतिहासिक इन दोनों कालखंडों को पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अभी तक की वीडियो आप नहीं देखें दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा एंड वीडियोस की भी लिंक मिल जाएंगी, जहां से आप अच्छे से देख करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए हम दोस्तों बात करने वाले हैं आदितिहासिक के ओवरव्यू को। ओके, मतलब पूरा ओवरव्यू हम जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक कालखंड में हमें क्या पढ़ना है ओवरव्यू हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ऐतिहासिक कालखंड को तीन भागों में गया है, ठीक है। मतलब तीन भागों में मतलब बांट के हम पढ़ते हैं, वहां से मतलब पढ़ते हैं तब समझ में आता है अच्छे से। तो जैसे कि पुरातात्विक, पुरातात्विक तो आप जानते होंगे, मतलब पूरा कौन कौन का पढ़ना, मतलब यार मतलब जो भी खुदाई वगैरह हुए था ना, वहां से कुछ जो जानकारी मिलती है उसको बोलते हैं पुरातात्विक। एंड उसके बाद विदेशी यात्री, विदेशी यात्री में क्या हो गया, जो आया कुछ ना कुछ लिख के गया, कुछ ना कुछ यहाँ करके गया कि यार मैं वहाँ गया था, ऐसा गया था, वैसा देखा, वैसा देखा। ये तो एक जानकारी है ही ना यार, हमारे लिए जानकारी का एक काम बन गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद साहित्यिक है, साहित्य में बात करें दोस्तों तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी हैं, कम थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं कुछ तो लिखते ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, किधर भी बैठ जाएंगे, किधर भी कोणड़ी में बैठ करके, कोणड़ी में बैठ कर लिखेंगे, लिखेंगे ना। चलो अभी लिखेंगे तो फिर देखेंगे हम, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या है पुरातात्विक। अब पुरातात्विक खोज की बात करें दोस्तों, मतलब जिसमें खुदाई उदाई हुई तो खुदाई करके मिलेगा क्या, माटी थोड़ी ना लेकर पता चल जाएगा यार यहाँ से ये जानकारी मिल गई, ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं, माटी से भी जानकारी मिला होगा, बट ऐसा हमको, हम लोग पूरा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पुरातात्विक जो खोज है इसमें सिक्का मिल गया, ठीक है, माटी खुदाई उसी में सिक्का मिल गया। अब सिक्का मिला था भाई, ये कहाँ का सिक्का है, कुछ है क्या नहीं, ये कहाँ का सिक्का है। तो इससे एक जानकारी मिल गई कि इस सिक्के पर ये मुहर है, तो यहाँ के लोग ऐसे थे, वैसे थे, ये इस चीज़ को मानते थे, इस चीज़ को नहीं मानते, ऐसा मतलब जानकारी मिल गया। एंड जब अभिलेख, अभिलेख में कहीं गए तो शिलालेख मिल गया, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ मिल गया, तो उससे कुछ जानकारी मिल गया कि ये राजा ने ये कराया, वो राजा ने वो कराया, ये सब जानकारी मिल गया। एंड अगर अभिलेख में मतलब जो लोग, कुछ लोग राजा हुआ करते थे अपने बारे में छपवा दिए, बकायदे ये ले भाई छप दिए हमने, ठीक है, छाप दिए, तो वो भी एक जानकारी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना। चलो अभी क्या है कि यहाँ पर अब बढ़ते हैं इसके विदेशी यात्री में। हम अंदर नहीं जाएंगे यार, विदेशी यात्री में डायरेक्ट हम विदेशी यात्रियों को पढ़ेंगे, क्योंकि भाई वो आए हैं ना, उनको हम बांटेंगे नहीं, क्योंकि वो आए हैं कुछ ना कुछ लिख के गए हैं, तो उनकी डायरेक्ट हम उन्हीं से पढ़ लेंगे, उसी को पढ़ के हम जान लेंगे, ठीक है। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब इसमें छेड़खानी नहीं करना। अभी यह साहित्यिक, अब साहित्य में हमारे यहाँ के जो भैया लोग हैं जानते ही हैं, हर चीज़ को धर्म को बांट के रख देंगे, तो कभी किस चीज़ को बांट देंगे, किसी चीज़ को बांट देंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लो, चचा नाना मामा काका सब हुए रखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है साहित्यिक खोज है ना, साहित्यिक खोज में देखो, अब साहित्यिक खोज को दो भागों बांटा, धार्मिक और गैर धार्मिक मान दिया, ठीक है। अब धार्मिक जो धार्मिक लोग हैं, अब धार्मिक लोग इतने तरीके से आएंगे, गैर धार्मिक लोग तो आराम से जिन्हें उन्हें साइड में गमा जाएंगे, ओके, जहाँ है वहीं साइड में हो जाएंगे। एंड जब धार्मिक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर धार्मिक में अब दो धार्मिक हो गया, अब धर्म में भी दो धर्म बताया ना हमने, धर्म को जाति को सब कुछ ये लोग बांट देते हैं, बांटने में तो माहिर हैं सारे, क्या ये बताएं, छोड़ो यार बात ही मत करो। अब देखो यहाँ ब्राह्मण है, ठीक है, क्या है कि धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, तो गैर ब्राह्मण में दो हो गया जैन और बौद्ध, ठीक है, जिसको पढ़ के हमें जानकारी लेना है, लेना ही है, ओके, छोड़ना थोड़ी ना, छोड़ना क्या, नहीं छोड़ना, लेना है, ओके। एंड यहाँ क्या है ब्राह्मण, ब्राह्मण में, अब ब्राह्मण में देखो कितना है, वेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, देख लो, समझ रहे हो ना। लेकिन परेशान मत होना यार, कुछ नहीं है, देखो मैं कल ही समाप्त कर देता हूँ, कितना सारा इसमें से बहुत सारा ख़त्म कर दूंगा कल ही, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मात्र 5 से 10 मिनट में बहुत चीज़ हम लोग ख़त्म कर देंगे, आप हिम्मत देखना यार, इतना बड़ा चीज़ है, मतलब इतनी चीज़ें पढ़ लेनी है, कहीं ऐसा लग रहा है क्या, नहीं यार नहीं कुछ होगा, ठीक है, टेंशन ना लेना एकदम, ये है मतलब मात्र 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा सिक्का अभिलेख, ठीक है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। ओवरव्यू मैं यहाँ पे दिखाया इसलिए कि यहाँ यहाँ चीज़ें हमको पढ़ना है, ये हमारे दिमाग में सेटअप बन जाना चाहिए, फिर हम जब पढ़ते हैं तो अच्छे से सेट भी होता है, ओके। चलो तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना चीज़ें ओवरव्यू आपको मैं बता रहा हूँ, एंड ये सब चीज़ें पढ़ना है। अभी किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करना सही नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम वीडियो में से डिस्कस करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, थैंक्स।